इस वक्त मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान के अटल सभागार में मौजूद हूँ। आपको बता दें कि यहाँ एक पुस्तक का विमोचन होना है और पुस्तक का नाम द लास्ट सॉल्यूशन इंडिया एंड वर्ल्ड, और इसके जो लेखक और साहित्यकार लक्ष्मण प्रसाद जी हैं, ये पुस्तक है पूरी द लास्ट सॉल्यूशन इंडिया एंड वर्ल्ड। तो काफ़ी विषयों को इसमें उठाया गया है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विषय हैं। वे साथ में लक्ष्मण जी खुद मौजूद हैं, बताएंगे क्या क्या विषय लक्ष्मण जी इसमें उठाए गए हैं। आज पुस्तक का विमोचन होना है आपकी जी। इसमें जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, लास्ट सॉल्यूशन, भारत और विश्व की प्रमुख समस्याओं के अंतिम समाधान। आप अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं कि समस्याओं के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन समस्याओं के जो समाधान क्या होने चाहिए, इस पर जो माथापच्ची की गई है, जो स्टडी की गई है, ये मेरी 25 ईयर की है। मैं 25 साल से इस पर काम कर रहा हूँ और इसमें मैंने देश की और वर्ल्ड की प्रमुख समस्याओं को रखा है। देश की समस्याओं में जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, तो इसमें मैंने बेरोजगारी भत्ते के बारे में लिखा है। राजनीतिक पार्टियां बोलती हैं कोई 5,000 देगा, कोई 2,500 देगा, तो इसमें मैंने सरकार के बजट पर स्टडी की है कि भत्ता कितना दिया जाना चाहिए और कितनी पॉपुलेशन को दिया जाना चाहिए। जनसंख्या नीति, कोई भी सरकार जनसंख्या पर कानून बनाने से डरती है, तो जनसंख्या नीति में क्या रूल होने चाहिए जिससे कि वो जनता को स्वीकार्य हों और ये इस हमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए। और विश्व की समस्याओं में जैसे कि शिया और सुन्नी विवाद है, तो इसकी जो आप वजह है नेट पे पढ़ते हैं या जो भी सुनते आए हैं, इसमें जो वजह बताई गई है वो सबसे हटकर बताई गई है। और एक हम जो है विदेशों से बहुत प्रभावित होते हैं, हम देखते हैं कि यूरोप की शासन व्यवस्था और वहाँ का प्रशासन कितना सुव्यवस्थित है, तो भारत का ऐसा कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए मैंने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में लिखा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी को आप कैसे अपना सकते हैं। और इसमें ये भी मैंने लिखा है कि चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए, तो चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी भत्ता होना चाहिए। और भारतीय न्याय प्रणाली, ये एक बहुत ही अहम इसमें पार्ट है, भारतीय न्याय प्रणाली तीव्र कैसे हो सकती है। आप देख सकते हैं करोड़ों मुकदमे लंबित हैं और ये करप्शन का बेस है। जब तक हमारी भारतीय न्याय प्रणाली तीव्र नहीं होगी, हम करप्शन नहीं ख़त्म कर पाएंगे। हम 100 सुलझ जाते हैं और 100 तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह के मुद्दे इसमें उठाए गए हैं, बैंकों का NPA कैसे रोका जा सकता है। और लोकतंत्र में आप देख सकते हैं कि अशिक्षितों के आधार पर राजनीति होती है, क्योंकि शिक्षित तो वोट डालने ही नहीं जाते, तो शिक्षितों का जो मत है उसको कैसे हम अधिक वैल्यू दे सकते हैं, तो ये सब इसमें बताया गया है। और इसमें आम आदमी के हिसाब से बहुत कुछ लगा गया, यानी इसे किसी भी वर्ग का व्यक्ति खरीदेगा उसे इसमें कुछ ना कुछ अपने काम का मिलेगा। इसमें हेल्थ के बारे में बताया गया है, इसमें थोड़ा सा ज्योतिष के बारे में भी बताया गया है, बहुत सारी भ्रांतियाँ, क्योंकि ज्योतिष के भी मानने वाले बहुत लोग हैं, उनके लिए भी इसमें लिखा गया है। तो इस तरह के इसमें बहुत सारे सवाल लक्ष्मण जी आपसे ये है कि इतने सारे विषय आपने मुझे गिनाए हैं, इसमें समाधान भी ढूंढे हैं आपने, समाधान भी दिए हैं पुस्तक में, या समाधान के लिए अलग कुछ पब्लिश किया जाए जी? देखिए, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा, इसमें केवल मैंने समाधान ही लिखे हैं। और इसमें आप बुक का कोई भी आप इसमें चैप्टर उठाएंगे, एक एक पैरे पर मैंने जो इसमें मेहनत की है, जो जितने इतने आपको पॉइंट मिलेंगे, ये इसमें 48 टॉपिक्स हैं, 48 टॉपिक पर 48 बुक तैयार की जा सकती हैं, जिसको कि मैंने केवल एक बुक में लिखा है, ठीक है जी। और इसमें 156 पेज हैं और ₹160 इसका मूल्य है, और ये निखिल पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर आगरा के द्वारा प्रकाशित है। अब यहाँ से आगे जैसे आपने पुस्तक लिखी है, विषय बहुत ही ज्वलंत है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विषय हैं आपके, तो क्या सेमिनार या बैठकें इस तरीके के आयोजन की जाएंगी आगे भविष्य में, निकट भविष्य में, जिससे कि इस तरह के जो सॉल्यूशन आपने ढूंढे हैं उनका कहीं ना कहीं समाधान हो इन विषयों का, जो काफ़ी गंभीर विषय है ये? अब देखिए, आप जो चाहते हैं वो तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारा शासन व्यवस्था है, या आप जमाना मान लीजिए, जब तक इसको जनता नहीं उठाएगी तब तक इस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए, ये बुक चाहे कितनी भी अच्छी हो, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी के सामने रख दूँ, वो इस पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन वो देखेंगे कि जनता इसको पसंद कर रही है, तब वो ध्यान देंगे और तभी इस पर चर्चाएं होंगी। शुक्रिया। मेरे साथ में निखिल प्रकाशन समूह आगरा के और भी लोग हैं जो पब्लिश कर रहे हैं इस पुस्तक को।
क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है पब्लिश कर? मुझे तो अपार खुशी हो रही है कि मेरी पुस्तक मेरे द्वारा जो प्रिंट है, मैं प्रोडक्शन प्रभारी हूँ इसमें, और ये पुस्तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में पहुँचे, अच्छी मुकाए, और जो देश की समस्या है उस समस्या का समाधान भी निश्चित होना चाहिए। लक्ष्मण जी, आपके पास स्वतः ही आए थे पुस्तक लेके या? लक्ष्मण जी स्वतः ही आए थे, जैसे हमारा बुक फेयर लगता है विभिन्न राज्यों में लगता है, नेशनल लेवल पर लगता है, इंटरनेशनल पर, तो उसमें ये स्वयं आए, मेरा प्रकाशन देखा, मेरी पब्लिसिटी देखी, मेरे कन्विंसिंग का माध्यम देखा, उसके हिसाब से ये आए और मैंने इनकी पुस्तक प्रकाशित की। और अन्य पुस्तकें भी अभी जैसे प्रकाशित हुई जो केंद्रीय हिंदी संस्थान से इनका अनुदान भी मिला, आयोग मिला, तो उसी हिसाब से ये भी आएगा। क्या लगता है ज्वलंत विषय इसमें जैसे उठाए गए, पकड़नी चाहिए, स्पीड पकड़नी चाहिए, जो चीज़ विषय अच्छे विषय अच्छा है और टॉपिक गंभीर भी है और होना भी चाहिए, जो जनता के साथ में जो आज ये हो रहा है उस पर होना भी चाहिए। नाम क्या? मेरा नाम सहदेव उपाध्याय है, सहदेव बिलोंग करता हूँ और इसी फर्म का प्रोडक्शन प्रभारी हूँ मैं। बिल्कुल, निखिल प्रकाशन समूह के आप प्रोडक्शन प्रभारी हैं। आपने भी बड़ी खुशी जाहिर की है क्योंकि आपके आप प्रोडक्शन कर रहे हैं इसका, और वो उम्मीद यही की जा सकती है कि जिस तरीके से आपने जो ज्वलंत विषय उठाए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो विषय उठाए हैं, वाकई सोचने का विषय है। बड़े सेमिनार या बड़ी बैठकें करके हम इन विषयों पर कहीं ना कहीं समाधान भी ढूंढ सकते हैं और देश को कहीं ना कहीं एक अच्छे मार्ग पर, तरक्की के मार्ग पर ले जा सकते हैं। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।